माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जी बहुत बिजी रूटीन में शुरू मैं करती हूँ। अचानक से गेस्ट घर आ रहे हैं तो डिनर का टाइम है, तो मैंने जल्दी से दो तीन डिशें जो हैं जल्दी से बना ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। मैंने सोचा व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इस व्लॉग को आपने पूरा देखना है। एंड पे मैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँगी कि वो स्पेशल हमारे लिए क्या सऊदी अरब से लेकर आया, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, अब सारी वीडियो बना रही हूँ। कीमे वाले राइस बिरयानी मसाला डाल के बहुत जल्दी बनते हैं। इसके अलावा मैंने क्रीम हांडी बनाई है, घर में नमकीन मटन बनाया है। मैं कुछ KFC से भी मंगवाऊँगी, सर कबाब वगैरह फ्राई करूँगी। बस इतना ही कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक डिनर की सारी जो है कि वो तैयारी हो जाएगी। बहरहाल टाइम मेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटा था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत मदद हुई और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। उनको काफ़ी ज़्यादा ना पसंद आया। ये ऑलरेडी जो है नमकीन गोश्त की और क्रीम हांडी की जो है रेसिपी वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ लिखेंगे मरियम गैलरी क्रीम हांडी, वहाँ पर भी आ जाएगा, नमकीन गोश्त की भी आ जाएगी। खजाना इसको सारा ना टिश्यू से अच्छी तरह इसको साफ कर दो। ये ग्लास पे ना धो के ना फिर रखने इधर सारा ना, बाकी ड्राइंग शुक्र है नीट क्लीन है। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी चीज़ें भी हैं ऑलमोस्ट। ये कि डाइनिंग टेबल पे मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, बाकी जो कि मेरे पास हेल्पिंग हैंड भी था शुक्र है अल्लाह ताला का। तो बस ये नमकीन कढ़ाई जो है वो रेडी है, मैं सारा ये सर्व करूँगी। ड्राइंग किस वजह से गेस्ट की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो वीडियो में आना पसंद नहीं करते, पर ये सारी मेरी जल्दी जल्दी की प्रिपरेशन थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर कर दूँ। ठीक है जी, बस ये खाना सर्व हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बहुत पसंद आया। इसके बाद जी मैं आपके साथ करूँगी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जो रात को गेस्ट तो चले गए थे तो बहुत अच्छा सारा डिनर का हो गया। बस छोटे छोटे क्लिप्स मैं बना सकी क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि बस वो कोई कैमरा पकड़ने वाला भी साथ नहीं था क्योंकि बेटी सो चुकी थी और बेटा भी था, वो भी सो गया हुआ था। वेलकम बैक जी। अच्छी जी, मैंने सोचा कि जिस तरह मैंने आपके साथ सारा क्लिप्स शेयर किए हैं कि हम लोगों ने कैसे अरेंजमेंट्स किए और जल्दी जल्दी में मैं क्या कुछ कर सकी उनके लिए, अच्छा भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो भी गिफ्ट शेयर करूँ कि वो लोग हमारे लिए स्पेशल सऊदी अरब से क्या लेकर आए। ये जी दो हैंड कैरी हैं, ठीक है। अभी मैंने सब चीज़ें ऊपर ऊपर से देखी है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने ही इसको अनबॉक्सिंग करूँगी, ठीक है। एक ये है और एक ये वाला हैंड कैरी है। अब ये चीज़ें खोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता और आपको मैं दिखाती हूँ कि वो सऊदी अरब से जो है स्पेशल क्या क्या लेकर, ठीक है। ट्राईपॉड मैंने सेट कर लिया क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ना ये वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले तो जी यहाँ पे जमजम, आपको पता है ये तबरुक होता है और इसके बगैर ना मेरा ख्याल है कोई भी मुसाफिर नहीं आता वहाँ से। लेकिन अब आबे जमजम जो है ना वहाँ से लाना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने बताया कि वो बड़ा छुपा के बैग में कपड़ों में लपेट के और इस तरह सील करके ना वो ये बॉटल्स लेकर आए हैं। तो ये माशाल्लाह जी यहाँ पे जमजम है, ये देखें, और ये भी सील्ड है, इंशाल्लाह ताला इसको हम पियेंगे। और अच्छा, आबे जमजम का ये होता है कि आप इसके अंदर और पानी भी ऐड करके आप इसको बढ़ा सकते हैं और आप इसकी जो होती है ना बरकत ही वैसी ही रहती हैं, ठीक है जी। आबे जमजम हो गया, इसको रखते हैं साइड पे। और इसके अलावा ये है जी खजूर, अजवा खजूर है, मैं आपको दिखाती हूँ, और काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है, ये देखें, ये अजवा खजूर है, ये आई है। और इसको भी रखते हैं साइड पे। और इसके अलावा जी ये आया जी हैंड बैग, ये देखें, इतना वहाँ से अल्लाह ताला के घर से लेकर आना और सारा सोचना बड़ी बात है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ना इस स्टाइल में जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मोबाइल वगैरह भी इसके अंदर सही कैरी हो जाता है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया है और मेरे लिए बहुत सूटेबल है। अभी इसको पहने रखते हैं फिर, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये आई हैं जी चॉकलेट्स, ये तो जी बच्चों के भी फेवरेट हैं और शायद ही मुझे एक दो मिल जाए वरना पॉसिबल नहीं लग रहा। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चॉकलेट्स हैं। ये वाली है और इस तरह की, अच्छा ये पैकिंग में ये खजूर भी है जिसके ऊपर ये हरम पाक बना हुआ है और दरख्त भी बने हुए हैं, ये देखिए ये भी खजूरें हैं। और इस तरह की ना मुख्तलिफ किस्म की चॉकलेट है इसके अंदर, ये भी चॉकलेट है। और इस तरह ये पाउच बना हुआ है सारा,
ठीक है जी, ये हो गया, चॉकलेट्स हो गई। और जी दिखाते हैं ग्लव्स। ग्लव्स भी आए हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे मन ऐसे होते हैं ना कि धूप वगैरह बहुत होती है, तो वहाँ पे लोग जो होते हैं ना वो हाथों पे ग्लव्स पहन लेते हैं। भाई ये भी बहुत यूज़फुल है, और जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं तो हाथ वगैरह भी काले हो जाते हैं, तो ये आप प्रोटेक्शन के लिए पहन सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाने का। वीडियो अगर मेरी देख रहे हैं तो मैं थैंक यू करती हूँ आपको। और आए हैं जी वहाँ से सॉक्स। ये मुझे बड़ी पसंद है इस टाइप की सॉक्स, ये बिल्कुल ना शूज स्टाइल में होती हैं, और ये बड़ी ना कंफर्टेबल और अच्छी लगती हैं पहन के। ठीक है जी, आई थिंक ये दो पेयर हैं या एक ही पेयर है, भैया जी इसको खोलेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, ये हैं जी सॉक्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं मास्क। मास्क अब आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, काफ़ी कलरफुल सा है और अच्छा सा है, इसको भी मैंने खोला नहीं है, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है। आप देखेंगे बेटी ले लेगी या मैं ले लूँगी, अगर उसको पसंद आया तो वो ले लेगी। ठीक है, ये हो गया। और अल्लाह ताला के घर से ये सारा कुछ लेकर आना, सोचना, वहाँ पे बैठ के आपको याद करना, ये भी बहुत ज़्यादा ना ब्लेसिंग होती है जी। तस्बीह आई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी तस्बीह है। अच्छा, जो वसीम के लिए ना टोपी आई थी तो उन्होंने ना उसी टाइम ही पहन ली थी, तो मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर रखे हैं, वरना वो भी मैं आपको दिखाती। ये देखें कितनी प्यारी तस्बीह आई है। ठीक हो गया जी, इसको करते हैं वापस पैक। अच्छा, मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना तस्बीहें और ये चीज़ें जमा हो चुकी हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना एक हैंड कैरी बना लिया हुआ है ताकि वो ज़ाया ना हो। तो इंशाल्लाह ताला यही सोच होती है कि जब अल्लाह ताला हमें भी लेके जाएंगे तो काफ़ी वो फिर काम आ जाएंगे, हम लोग भी आके ना फिर उसमें से कोई डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, तस्बीह हो गई। ये हो गया जी अतर, ये आया है वसीम के लिए। ठीक है, ये उन्होंने खोल के उस टाइम देखा था, अब आपके सामने मैं खोल के, उसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू थी। इसका नाम है आई थिंक असील, और काफ़ी अच्छी ना इसकी खुशबू थी, अत्तर की जैसी होती है। ठीक हो गया जी, इसको वापस रखते हैं। और एक और चीज़ है, ये जी आया है परफ्यूम, आया है मोहम्मद अली के लिए, मेरे बेटे के लिए, ये देखिए। और ये देखें, बड़ी अच्छी खुशबू है, और उसको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अब मैं उसके हवाले कर दूँगी, क्योंकि मैंने उसको पहले कहा था मैं वीडियो बना लूँ फिर उसके बाद ले लेना। ठीक है, बहरहाल मुझे अपना ये हैंडबैग बहुत पसंद आया, साइड हैंगिंग है, इस पर मेरा मोबाइल वॉलेट हर चीज़ आ जाएगी। आप देखिए मैंने अभी भी पहना है, इसको जी डालते हैं अंदर वापस। ठीक है जी, ये पानी को भी डालते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट हैंड कैरी में दिखाती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। ट्राईपॉड का काफ़ी इजी हो गया, वरना तो मैं बच्चों को कहती रहती थी कि मुझे ना मेरी वीडियो प्लीज़ बना दो, और इस तरह वीडियो ना रह जाती। अच्छा, इस हैंड कैरी में बहुत खूबसूरत सा, ये देखें, जाए नमाज, माशाल्लाह बहुत प्यारा जाए नमाज है, ये देखें कितना खूबसूरत जाए नमाज है, और बहुत सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से आया है, अल्लाह पाक के घर से आया है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। इंशाल्लाह ताला जी इस पर नमाज़ पढ़ेंगे, तो मैंने सोचा कि वीडियो के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ कि क्या क्या वहाँ से तबरुक आया है, सारा कुछ आपको बताऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।